छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि छोटे क्षेत्रीय दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय विकल्प नहीं हासिल किया जा सकता। रमन का मानना है कि विपक्ष का कोई भी गठजोड़ अंतर्निहित विरोधाभासों के कारण खुद ही टूट जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि कुछ संसदीय उपचुनाव हारने से भारतीय जनता पार्टी के अगले साल लोकसभा चुनाव जीतने की संभावना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल में रह चुके रमन सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा, एक समय इंदिरा बनाम सभी थे और अब मोदी जी बनाम सभी हैं। यह मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। कुछ छोटी पार्टियां उन्हें रोकने के प्रयास में हैं, ध्रुवीकरण कर सकती हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने हैरानी जताई कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में सत्ता में नहीं है, फिर वे 2019 में सत्ता में लौटने का सपना कैसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समर्थन कहां से हासिल होगा। छोटे क्षेत्रीय समूह के समर्थन से कभी राष्ट्रीय विकल्प नहीं हासिल किया जा सकता। ये पार्टियां मोदी जी के लोकप्रियता के कारण एक साथ आ रही हैं। इतिहास देखे वे एक सभी एकजुट नहीं रह सकते। एसपीएन न्यूज रूम की रिपोर्ट।